हेलो दोस्तों, कामयाब डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में जो व्हाइट वाली और ये ब्लैक वाली ये दो गाय दिखती है, वो मेरी वर्ल्ड वाइड शहर की मैक्सप्लाई की जो इफर थी, मैंने कल 2,10,000 में सेल कर दी। और मैं ज़्यादातर फार्म पे 5-6 गाय रखता था, अभी मेरे पास 8 गाय थी, तो अच्छा दाम मिल रहा था। और दोनों की जो डोनाल्टेलो के सीमेन की बछड़ियाँ मेरे पास आ गई, ज़्यादातर मुझे इंटरेस्ट ब्रीडिंग पे है, तो जो उसकी बछड़ी है, जैसे जनरेशन आगे ले जाना 3rd से 4th और 5th, और भी इस फार्म पे फर्स्ट टाइमर जो गाय है हसन अली पटेल डेयरी फार्म पे, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी वीडियो बनाई। अभी जो वीडियो में दिखा रहा हूँ इस फार्म की फर्स्ट टाइमर रिफर, ऑर्डर कॉम्पैक्ट कितना है और ऑर्डर की चौड़ाई कैसी है, आप वीडियो में साफ देख सकते हो। जिस तरह से मैंने गाय तैयार की थी, उस तरह से उसके लिए जो उसका लेने वाला ऑनर है वो काफ़ी अच्छा, तो उस तरीके से मुझे भी लगा कि अगर गाय यही फार्म पे जाएगी तो परफॉर्म भी अच्छा करेगी और आगे ब्रीड पे भी काम आएगी, तो उस हिसाब से मैंने कल गाय सेल कर दी। आपको दोनों का रेट कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक दूसरी बात कि इस फार्म पे ब्रीडिंग पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और इस फार्म की जो फर्स्ट टाइमर है वो भी आप देख सकते हो, मैंने जो दी है दोनों वर्ल्ड वाइड शेयर की मैक्सपाई की, वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप ब्रीडिंग पे काम करोगे तो ऐसी गाय तैयार करने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। अगर अच्छी गाय पे आप सीमन लगाएंगे तो उसके बछड़ी आएगी, उस हिसाब से आप 5 की जगह 4 साल या 3 साल पे 1-2 जनरेशन की अच्छी बछड़ी ले सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये जो मैंने सेल किए वर्ल्ड वाइड शेयर की मैक्सप्लाई की दोनों इफर, रेट कैसा है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ब्रीडिंग पे काम करना है और अच्छे से सीमेन रखवाना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।